हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज फ्रेंसिस डे है। हम स्वीट भी बनाए थे, पर एक करेला के रेसिपी भी बनाए थे, वो भी हम ये दिखा रहे हैं आपको। इसी को आज हमने ये करेला वाला ही रेसिपी आज शेयर किया है, और बहुत ही अच्छा है करेला। हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसको हमने ना धो के अच्छे से काट लिया है, पतले पतले दो दो ये स्लाइसेस में करके इसको पतले पतले काट के, और इसको वाश करने के बाद इसमें का बीज पहले निकाल देना है। और आपका करेला थोड़ा कड़वा है तो उसको ऊपर से छील भी दीजिए। और इसमें हल्दी और नमक डाल के, और इसको क्या करना है कि थोड़े 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए इसको रख देना है, क्योंकि इसमें से जो कड़वा वाला पानी होगा ना वो रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। और हमने थोड़ा सा 3-4 मिनट के लिए रखा था, तो देखिए ये जितना इसमें पानी रिलीज हुआ है, कड़वा थोड़ा सा निकल जाएगा। और इसमें हमने 2-3 चम्मच नीचे चावल के आटा रखा है, और उसके बाद से इसमें हम ये बेसन डालेंगे। 2 चम्मच बड़े चम्मच से बेसन डालेंगे, और इसमें हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे, और इसमें थोड़ी सी मसाला भी ऐड करेंगे। ये आधी आधी चम्मच जीरा, धनिया, हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी गरम मसाला, और आमचूर पाउडर, और इसमें थोड़ी सी हम हींग भी ऐड करेंगे। और उसके बाद से ये सारी चीज़ों को ना एक साथ, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और ये 1 चम्मच मिर्ची पाउडर भी। और इसको हम ना पानी नहीं डालना है इसमें, क्योंकि इसमें जितना इसका मॉइस्चर होता है ना, उसके साथ पहले इसको ड्राई ही इसमें ये करना है, लपेटना है। उसके बाद से थोड़ी सी पानी इसमें डालना है, ज़्यादा पानी बेसन की तरह घोल बना के नहीं ये करना है। और इसको पहले हम सुखाएं, इसको ड्राई करेंगे, इसमें कोट करेंगे करेला को, और थोड़ी सी हल्के हल्के पानी के फुहारा कर रहे हैं। और फुहारा करने के बाद से इसको हम सर्व करके बस थोड़ी सी हल्के हाथों से लपेट देंगे, और अच्छे तरह से इसमें हमारे मसाला में ये हमारा ये करेला है जो लपेट जाएगा। और आप करेला को आप जितना ही भी पतला पतले दो ये बीज निकालने के बाद से आप काट सकते हैं, काट लीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि पकने में आसान रहता है और बहुत ही कुरकुरा बनता है। और हम तो सरसों ऑयल में बना रहे हैं, अगर आप कुकिंग ऑयल जो भी खाते हैं आप उसमें एकदम अच्छे से गर्म होने के बाद से उसको एक एक उठा के बस इसमें डाल दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। अच्छे से फ्राई, कुरकुरा ब्राउन फ्राई होने के बाद से इसको पलटना है, और आराम से पलट जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है ये करेला, सबके लिए अच्छा होता है, इसीलिए इसको ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। और एक बार ज़रूर ऐसे वाला कुरकुरा ये करेला ज़रूर बनाइएगा। ये एक तरह से करेला पकौड़ा भी समझ लीजिए, करेला भजिया, और एक तरफ से ये करेला कुरकुरा भी है। इसको चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं, और चाहे ऐसे चटनी और टमाटर सॉस के भी साथ खा सकते हैं। एक बार ज़रूर आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। फ्रेंडशिप पर तो स्वीट सभी लोग बनाते हैं, पर कभी कड़वा करेला भी बना के देखिए, अच्छा ही लगेगा, क्योंकि ये अलग ही डिफरेंट रेसिपी है। और इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं और उनको कुछ टेस्टी खाने को मन कर रहा है, तो करेला का ये फ्राई खा सकते हैं, फ़ायदेमंद भी है और कुछ चटपटा भी है। प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो देखिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।